गुफ्तगू करें उसके बाद देखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिजली के निरखों पर लोगों की चीखें निकल गईं, लोगों की आहो बका सातवें आसमान से भी ऊपर चली गई। तब हमने भी हर तरह के एहतजाज, हर तरह की जद्दोजहद जो ताजिरों, सनतकारों और कराची के आम शहरी के मसाइल हल करने के लिए होगी, हमने ये कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं, उनके एहतजाज में खड़े हैं। और सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए नहीं खड़े, सिर्फ उनके साथ जाकर फोटो सेशन करने के लिए नहीं खड़े, लेकिन उस मसले की गंभीरी, उसकी शिद्दत को महसूस करके उसको हल कराने में हमारा क्या किरदार हो सकता है, हमारा क्या फर्ज हो सकता है। क्योंकि हम समझते हैं कि हम मसाइल कायम करने में हमारा कोई किरदार नहीं है, लेकिन मसाइल हल करने में तारीखी एतबार से, सियासी एतबार से एमक्यूएम पाकिस्तान का इस शहर में, सिंध के शहरों में और मुल्क भर में एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। अब शर्जील गोपलानी भाई ने एक जायज स्टैंड लिया वजह तौर पर, अरे जब 100 ज्यादतियां होंगी ताजिरों के साथ, मुख्तलिफ मार्केट की अंजुमनों के यहां अकाबरीन नुमाइंदे मौजूद है, यहां मुख्तलिफ मार्केटों के, और शर्जील गोपलानी भाई और टिम्बर मार्केट के लोगों के साथ, और वो पूरा इलाका जो अब सफर कर रहा है इनके स्टैंड लेने से, घांचीपाड़ा है, भीमपुरा है, सुमरा गली है, अकाल बोंगा, पीलू कंपाउंड, ये सारे इलाके भी वहां 8 रोज से बिजली बंद है। अच्छा 100 मरतबा आप लोड शेडिंग करें बगैर ऐलान के, अच्छा लोड शेडिंग चले अगर आपकी पॉलिसी है के इलेक्ट्रिक की वहां करने की जहां डिफॉल्टर बड़ी तादाद में, यहां टिम्बर मार्केट का इलाका और इनके अतराफ का जो इलाका है वहां तकरीबन 85% से ज्यादा लोग अपने बिल दे रहे हैं, फिर भी वहां लोड शेडिंग। और इनसे माहिदा 17 अगस्त को किया कि 12:30 से 2:30 बजे 2 घंटे की लोड शेडिंग होगी, बस फिर भी 2 घंटे की, 2 घंटों की लोड शेडिंग। और ऊपर से जब इन्होंने नोटिस दिया कि अब हम बिल नहीं देंगे, सिर्फ हालिया बिल, ताजा बिल, पिछले सारे बिल अदा है, एक बिल ना देने की पादाश में अपने बेरहम डिसकनेक्शन के हमले को बदतमीजी के साथ दुनिया भर की सलावातों के साथ इनके ऊपर ऐसे छोड़ देना, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी ज्यादती है। सारे सरकारी इदारे हों खिदमात के या निजी इदारे हों, वो अपने आप को हर तरह के कानून से बालातर समझते हैं। तो आज एमक्यूएम इन सरकारी इदारों को जो खिदमात के कामों पर, जो शहरी सहूलतों के कामों पर मामूर है, और जो निजी इदारे जो शहरियों को बुनियादी सहूलतें देते हैं, सरकारियों या निजी, मैं उन दोनों को मुतनब्बे करता हूं एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से। हमने ये बीड़ा उठा लिया है कि हम कराची के अवाम के बुनियादी मसाइल इंशाल्लाह हल करेंगे, और हमने उसका आगाज कर दिया है, मैं तफसील में नहीं जा रहा। और आज जो ये बेकसूर, बेगुनाह एक एहतजाज पर डिसकनेक्शन गैर कानूनी, अरे किसी का अगर डिसकनेक्शन करना है बिजली का के इलेक्ट्रिक को, तो डिफॉल्टर होने चाहिए, महीनों महीनों के बिल की अदम अदायगी होनी चाहिए, और उसके बाद एक हफ्ते का नोटिस होना चाहिए, फिर आपको कानूनी ये जवाज और हक है कि आप डिसकनेक्ट करें। लेकिन अगर आप मादर पिदर आजाद, हर कानून से बालातर कानून को आप हाथ में लेंगे, तो फिर ताजिर भी और कराची के शहरी भी कानून को
हाथ में लेने का हक रखते हैं। फिर अगर आप एक FIR कटवाएंगे तो खुदा की कसम फिर हम 100 FIR आपके खिलाफ कटवाएंगे। फिर हम यानी आप तो FIR कटवाएं और बगैर कानून के बिजली काटने आप आ जाएं, तो फिर इन्हें भी हक है, हमें भी हक है कि हम भी आपके खिलाफ FIR कटवाएं। मुद्दा यह है, तो जब हमने के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट से ये बात की और इधर उधर भी बात की, जब